तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि साइकिल के हैंडल में लाइट कैसे लगाएं। तो फ्रेंड, उस वीडियो में हमने कहा था कि अगर आपको साइकिल मॉडिफाई के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोगों ने उसमें इतना ज़्यादा कमेंट किया कि हमें वीडियो बनानी पड़ गई। फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी साइकिल में लाइट लगा के पूरा उसको सजा सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, जिससे कि आपको वीडियो थोड़ा लेट मिली है। तो फ्रेंड, आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड, चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने देखिए हैंडल लाइट को लगा दिया है। दोनों हैंडल में हमने इसको लाइट को लगा दिया है और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक जो घंटी है उसको भी लगा दिया है। तो फ्रेंड, इनकी वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने उसको बना दिया है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे जो ब्रेक लाइट है वहाँ पे देखिए, उसमें एक LED हमने लगा दिया और वायर को देखिए हमने यहाँ से कट करके छोड़ दिया, जिससे कि हम आपको बता सकें कि आप ब्रेक लाइट कैसे लगा सकते हो, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए आगे चलते। फ्रेंड, इन तीनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड, चैनल पे जाने के लिए आपके सामने एक हमारे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। और आपको उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पे एक साइकिल लाइट की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको सभी साइकिल लाइट की वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख कर आप भी बना सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए अब हम इसको मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। तो लाइट लगाने के लिए हमने देखिए 5 वायर को कट किया था, तो इसकी जो साइज़ है वो हमने साइकिल से नाप करके कट किया है, जो कि हम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, हमने 5 वायर को कुछ इस तरीके से कट किया है और यहाँ पे हमें कुछ RGB LED 5 ले लेना है। और इसके हम आपको चला कर दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके की ये जलती है। तो इसको हमें क्या करना है कि जो 5 वायर है उनमें हमें सभी में देखिए एक एक LED को सोल्डर करना है। तो हम सभी सोल्डर कर लेते हैं, हम आपको फिर बताते हैं। तो जल्दी जल्दी हम सबको कर लेते हैं। तो सोल्डर करने के बाद हम यहाँ पे इस पे देखिए ग्लू गन लगा देंगे, जिससे कि दोनों जो लेग है उसकी आपस में सटे ना, जिससे कि शॉर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसकी जगह पे टेप भी लगा सकते हो। तो हम पहले ग्लू गन लगा देंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसी तरीके से सभी में ग्लू गन लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। तो देखिए, सभी हमने ग्लू गन को लगा लिया है और उसके बाद हम टेपिंग भी कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो 5 पे हमने देखिए टेपिंग कर दिया है और इसमें से हमें देखिए 2 ले लेना है, जो कि हमने साइज नाप करके कट किया था, इसलिए यहाँ पे वायर जो कि हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा देखिए जो LED है उसको इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ देना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए हमें इसको लगाना है, जिससे कि इसका जो प्रकाश रहेगा वो सीधे ज़मीन पर लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखने वाला है। तो हम यहाँ पे टेप की सहायता से इसको फटाफट से चिपका देते हैं और इसको चिपकाने के बाद हमें देखिए इसके वायर को पूरा ऊपर तक ले जाना है। तो हम देखिए यहाँ से वायर को ले जाएंगे नीचे की तरफ से और यहाँ से देखिए पीछे से ले जाएंगे, जिससे कि ये दिखे ना, इस तरीके से आप भी ले जा सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड, हम नीले वायर का यूज़ किए हैं, आप यहाँ पे जो है कि ब्लैक वायर का भी यूज़ कर सकते हो, वो जो कि दिखेगा नहीं, आपकी जिस कलर की साइकिल हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फटाफट से टेपिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड, हमने इस पे देखिए टेपिंग करके इसको ऊपर तक देखिए यहाँ तक ला दिया है, जो कि वायर यहाँ से निकल चुका है। और इसी तरीके से देखिए हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से एक LED जो है कि उसको लगा देंगे। तो हम इसी तरीके से दूसरे को भी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, हम इसको टेप की सहायता से लगा लेंगे। और फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, पर आपको अब टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक हम इस पर टेपिंग कर रहे हैं, तब तक आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से हम इसको फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो इसको हमने देखिए फिक्स कर दिया है और यहाँ पे दोनों साइड हमने टेपिंग करके इसको रोक दिया है। और यहाँ पे 2-2 वायर देखिए दोनों में से निकल चुके हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो इसको अभी हम इसी तरीके से रहने देंगे, अब आपको बाद में इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो हम चलते हैं पीछे की तरफ और यहाँ पे जो ब्रेक वाला देखिए वायर था उसमें हमने एक छोटा सा वायर और जोड़ लिया, इतना बड़ा, जो कि हमारे चैन कवर तक पहुंच जाएगा। तो इतना बड़ा आपको भी जोड़ लेना है। और अब हम देखिए पीछे भी यहाँ पे 2 LED लगाने वाले हैं। तो इन दोनों LED को देखिए हमने पीछे की साइज का बनाया था, तो यहाँ पे हम दोनों को फिक्स करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से फिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको आपको लगाना है। तो हम दोनों तरफ एक एक LED को लगाने वाले हैं। तो इसका देखिए वायर जो है आपको थोड़ा अंदर से ले जाना है, जिससे कि दिखे ना और अच्छा लगे। तो इस तरीके से देखिए जो आपको पतला सा रॉड दिख रहा है उस पर हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे, जिससे कि इसका जो प्रकाश है ज़मीन पे लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको दिखने वाला है। तो इसको हम फटाफट से देखिए टेपिंग करके यहाँ पे रोक देते हैं और ऐसे ही पूरा हम इसको लगा लेते हैं।
और इसी तरीके से हम देखिए इसको टेपिंग करते हुए इसके वायर को अंदर की तरफ से पूरा बीच तक ले चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो होल था छोटा उसमें से आपको इसको वायर को डाल करके इस तरीके से निकाल लेना। तो आपको जिस तरीके से आपकी साइकिल हो आप उस तरीके से वायर को लगा सकते हो। और यहाँ पे आप ब्लैक वायर का यूज़ करिएगा अगर आपकी साइकिल ब्लैक है, तो यहाँ पे जो वायर है वो आपको दिखेगा नहीं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने एक साइड लगा लिया है और सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो चलिए हम इसको फटाफट से लगा लेते हैं। तो देखिए दोनों को हमने फिक्स कर दिया है और यहाँ पे दोनों को देखिए हमने इसका जो कनेक्शन है वो भी कर दिया है। यहाँ पे देखिए जो दोनों साइड की लाइट थी उसका प्लस प्लस आपको एक में कर देना है और माइनस माइनस एक में कर देना है। तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था इसलिए हमने उसको देखिए कर दिया है। और यहाँ पे हमने दो वायर को देखिए इस तरीके से निकाल दिया है। दोनों का कनेक्शन करने के बाद आप इस तरीके से दो वायर को निकाल लीजिएगा। तो इसी तरीके से देखिए हमने जो ऊपर का जो वायर हमने छोड़ा था दो, उसको भी देखिए हमने प्लस प्लस एक में और माइनस माइनस एक में कर दिया है। तो यहाँ देखिए दो वायर निकल चुका है और इसको हमने बीच में देखिए जोड़ करके प्लस प्लस एक में कर लिया है और माइनस माइनस एक में। तो दोनों साइड का देखिए एक में जुड़ चुका है जो कि यहाँ से हम इसको जलाएंगे तो काफ़ी अच्छे से जल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इधर का वायर निकल चुका है और देखिए जो येलो और ग्रीन वायर आपको दिख रहा है ये जो कि ब्रेक लाइट का है। तो ब्रेक लाइट लगाने के लिए देखिए यहाँ पे हम इस तरीके का एल्युमिनियम का यहाँ पे दो वायर लेंगे जो कि इस तरीके से हमने कुछ डिजाइन किया है जो कि आप भी कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा आसानी से, आपके हाथ से भी आप इसको मोड़ सकते हो। और यहाँ देखिए इसको हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे रॉड दिख रही है आपको मोटी वाली उसमें देखिए हमें इसको लपेटना है। तो इस तरीके से हम लपेट देंगे और आपको पूरा डिटेल में जानना है तो उसकी भी वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले बना दिया है इसलिए हम आपको पूरा अच्छे से नहीं बता रहे हैं, आप उसको देखकर आप अच्छे से समझ जाओगे किस तरीके से लगाना है। तो उस पर आपको दो तरीके से ब्रेक लाइट लगी हुई मिल जाएगी तो हम उसको फटाफट से देखिए इस तरीके से लगा लेते हैं और आप वहाँ पर दोनों तरीके से देख सकते हो। तो देखिए इसको हमने फिक्स कर दिया है इस तरीके से और यहाँ पर जैसे ही टच होगा देखिए यहाँ पर ब्रेक लाइट जलती हुई आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर देखिए हमने दो वायर को देखिए इस तरीके से निकाल दिया है, एक वायर देखिए इस साइड से हमने निकाला है और देखिए दूसरी साइड का जो वायर था उसको हमने देखिए ग्रीन वाले में देखिए जोड़ दिया है एक छोटा सा वायर निकाल करके। तो यहाँ देखिए जो इधर वाला जो हमने पार्ट लगाया उसका देखिए छोटा सा वायर जो है उसको हमने देखिए ब्रेक लाइट की जो ग्रीन वाला वायर है उसमें हमने जोड़ दिया है। तो इसमें आप किसी भी एक वायर में इसको आप जोड़ सकते हो। तो इधर से देखिए एक हमारा प्लस और एक माइनस निकल चुका है। तो देखिए यहाँ जो है प्लस और एक माइनस हमारा हो चुका है। तो ब्रेक लाइट लगाने के बाद अब हम देखिए इसकी जो फ्रंट लाइट है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे पीवीसी पाइप का जो इस तरीके का टुकड़ा उसको कट करेंगे और यहाँ पे दो देखिए गोल टाइप का टुकड़ा कट करेंगे जो कि एक देखिए इसके अंदर वाले साइज का होगा और एक जो दूसरा टुकड़ा हमने कट किया था वो इसके बाहर के साइज का होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको दो पीसेस को कट कर लेना है और इसको अब हमें क्या करना है देखिए कैसे यहाँ पे हम एक एलईडी लगाएंगे। तो देखिए जो छोटा वाला पीस है उसमें हम एलईडी को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दो होल करेंगे जिसमें कि हम एलईडी को फिक्स कर सकें। तो इस तरीके से हम फटाफट से होल कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने एक होल को थोड़ा लंबा कट किया है क्योंकि एलईडी जो कि इसमें नहीं जा पा रही थी पर अब जो कि इसमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जा रही है। तो इसको हम फिक्स करने के बाद इस पर फेविक्विक लगा देंगे जिससे कि यहीं पे फिक्स पड़ी रहे। तो इसको हम लगा लेते हैं और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है जो पीछे वाला जो हमने पीस कट किया था उस पर हमें देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है जहाँ पे हम एक स्विच को लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं और यहाँ पे स्विच को इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो देखिए इसको करने के बाद हम इसका जो कनेक्शन है उसको फटाफट से कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको एक वायर ले लेना है और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से आपको एक वायर देखिए बीच से कट करके स्विच में कर देना है, बस इसका देखिए कनेक्शन हो चुका है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और इस तरीके से देखिए जो यहाँ पे पाइप है इसके अंदर देखिए इस तरीके से हमें फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका करके फिक्स कर देना है। तो हम पहले इसको चिपका लेते हैं और इसका पीछे वाला जो पार्ट है उसको भी हम इसी तरीके से करके यहाँ पे इसके वायर को अंदर की तरफ डाल करके यहाँ से हम इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा मजबूती से चिपका देना है और इसको देखिए इस तरीके से ये हो चुका है। और इसके बाद हमें देखिए इसको रोकने के लिए कुछ जुगाड़ लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो इस तरीके की पीवीसी पाइप की सीट कट करेंगे। तो हमारे पास एक टुकड़ा बचा हुआ था तो हमने इसका अलग अलग साइज का यूज़ किया है, अगर आपके पास आप कट करो तो दोनों को एक साइज में कट कर सकते हो। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें गर्म करके मोड़ना है। तो इसको आप गैस पर गर्म करके मोड़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी से मुड़ जाएगा। तो इसको गर्म करने के बाद आप जब मोड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से मुड़ जाएगा। तो हम इसको फटाफट से दोनों को मोड़ देते हैं, आपको दोनों को मोड़ना है एक को नहीं मोड़ना है। तो हम दोनों को मोड़ कर आपको बताते हैं किस तरीके से मोड़ना है, आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसको मोड़ सकते हो। तो हम देखिए इस तरीके से हमने दोनों को मोड़ दिया और यहाँ पर हमने देखिए एक में एक होल किया है और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर दो होल हमने इस तरीके से कर लिया है जो कि आप भी कर सकते हो।
तो अब हमें इसके बाद देखिए एक को हमें क्या करना है कि इसके ऊपर फेविक्विक को लगाना है और इसको देखिए इस तरीके से इसमें हमें लगा करके चिपका देना है। तो इसको परमानेंटली इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है। और जो दूसरा वाला है उसको देखिए हम साइकिल यहाँ ला चुके हैं और यहाँ पे हमने एक होल बगल में कर लिया है क्योंकि उसमें अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे जो आगे वाला साइकिल का रॉड है उसमें देखिए इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक बोल्ट लेंगे और एक नट लगा करके यहाँ पे टाइट कर देंगे इसको, जिससे कि यहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो इसको देखिए इस तरीके से टाइट करने के बाद हमें जो हमने आगे वाला पीस को बनाया था उसको देखिए यहाँ पे जो हमने होल किया था उसमें भी हमें देखिए यहाँ पे एक बोल्ट लगाना है और इसको नट लगा के अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये जो कि हमारी हेडलाइट जो कि बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लगा देंगे जिससे कि आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा उजाला आपको दे देगी। तो आप यहाँ पे दो LED का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा उजाला चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों का वायर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, पर इस साइड से देखिए वायर आपको नहीं दिख रहा है। तो आप अगर एक कलर के वायर का यूज़ करोगे तो नहीं दिखेगा। तो हमारे पास एक कलर का वायर नहीं था इसलिए हमने अलग अलग कलर का वायर को यूज़ किया है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा वायर दिख रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि सबका देखिए प्लस प्लस एक में कर देना और जो घंटी है उसको उसका जो प्लस माइनस है उसको एक में नहीं जोड़ना है, उसको हम सीधा बैटरी में ले जाकर ही जोड़ेंगे जिससे कि आप घंटी को जब चाहे तब बजा सको। तो इन सभी का देखिए हमें क्या करना है कि प्लस प्लस एक में और माइनस माइनस एक में जोड़ देना है। तो हम फटाफट से सबको जोड़ लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो कनेक्शन को हमने देखिए यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे जो साइकिल का घंटी वाला वायर था उसको देखिए हमने वहाँ पे वायर जोड़ करके लंबा सा वायर जोड़ लिया, उसका हमने देखिए प्लस प्लस एक में नहीं कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो दो वायर निकल चुके हैं, तो एक जो कि हमारा सभी लाइट का है और यहाँ पे एक घंटी का है। तो हमने देखिए सभी लाइट के वायर को प्लस प्लस एक में कर दिया और माइनस माइनस एक में कर दिया है और वहाँ से हमने दो वायर को निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो हैंडल लाइट है और यहाँ पे जो फ्रंट लाइट है और यहाँ पे जो साइकिल का इलेक्ट्रिक हॉर्न है और यहाँ पे जो कि यहाँ चक्की वाली लाइट है, इसको देखिए सभी का हमने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे दो वायर निकल चुका है। तो अब हम सभी वायर को देखिए इसके नीचे से फिक्स करते हुए चले जाएंगे। तो फ्रेंड हमारे पास मोटा वायर था तो हमने इसका यूज कर लिया है, आपके पास पतला वायर अगर हो तो उसका यूज करिएगा, क्योंकि हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने इसका यूज कर लिया है। तो इसको हमने देखिए टेपिंग करके यहाँ नीचे तक ला दिया है दोनों वायर को और यहाँ पे देखिए सभी के जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस आ चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए इधर वाला जो है कि पीछे की लाइट का है और जो देख सकते हो दोनों का यहाँ पे दो प्लस माइनस निकला हुआ है और यहाँ पे देखिए जो ए वाला वायर है ये जो कि ब्रेक लाइट का दो है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है कि प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, इसमें से हमें चेक करके पता कर लेना है कौन प्लस और कौन माइनस है। तो इस तरीके से देखिए सभी वायर यहाँ पे आ चुके हैं और अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, जो एक LED हमने और बनाया था जो कि आपको याद शायद नहीं आ रहा होगा पर आ गया होगा अब, तो इसको देखिए हमें क्या करना है कि इसके नीचे हमें देखिए यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मस्त रात को आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पे हम टेप की सहायता से इसको भी फटाफट से फिक्स कर देते हैं। तो इसको हमने फिक्स कर लिया है और अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करेंगे। तो इसको अगर आपको एक दो घंटे के लिए चलाना हो तो आप एक बैटरी का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको एक दो दिन चलाना हो तो आप दो या तीन बैटरी का यहाँ पे यूज़ करिएगा, तो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रोकने के लिए यहाँ पर देखिए ट्यूब का यूज़ करेंगे जिससे कि अगर आपको इसको निकालना हो तो आप इसको निकाल कर भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको इसलिए यहाँ पर हमने ट्यूब की सहायता से इसको लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सभी का प्लस प्लस है उसको एक में जोड़ देंगे और माइनस माइनस एक में जोड़ देंगे और यहाँ पे हमें एक स्विच भी लगा देना है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो सभी को हम फटाफट से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने कर दिया है और यहाँ पे एक स्विच भी हमने लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो घंटी वाला वायर उसको हमने डायरेक्ट कर दिया है प्लस प्लस में और माइनस माइनस में, जिसमें कि आप जब भी चाहो घंटी को बजा सको और लाइट जो है कि उसको आप रात में चलाओगे तो सभी लाइट का कनेक्शन हमने यहाँ पे स्विच से कर दिया है जिससे कि देखिए सभी लाइट इससे आपको जलती हुई दिख जाएगी। तो देखिए नीचे वाली भी जल रही है और देखिए इस तरीके से आप सभी लाइट को देख सकते हो कि सभी लाइट जल रही है और पीछे वाली भी जब ब्रेक लगाओगे तो आप जलेगी और आगे की जो फ्रंट लाइट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्लो हो रही है। तो सभी लाइट देखिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और यहाँ पे हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस का कनेक्शन कर दिया है और देख सकते हो आप चाहो तो बैटरी को सीट के अंदर भी लगा सकते हो, पर हमने यहीं पे लगा दिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्लूगन लगा लेते हैं, आप चाहो तो सोल्डर भी कर सकते हो। तो हम इसको ग्लूगन लगा देते हैं जिससे कि शॉर्ट ना करे। तो देख सकते हो आप इस तरीके से हमने सभी का कनेक्शन किया है। तो हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर ग्लूगन लगा लेते हैं। फिर
तो इस पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से ग्लूगन को लगा दिया जिससे कि आपस में शॉर्ट न करें, तो आप भी इस तरीके से लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे टैपिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से हम आपको फिर चालू करके दिखा देते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको थोड़ा घंटी को बजा कर दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बजती है। तो चलिए आपको हम बजा कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से बज रही है, इस तरीके से आप बजा सकते हो, और इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम आपको सभी साइकिल की लाइट को दिखाते हैं किस तरीके से इसका लुक जो है कि आपको दिखता है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे गजब दिख रहा है, जो कि आप अगर बना लेते हो इस तरीके से जो भी देखेगा तो समझ नहीं पाएगा कि किस तरीके से लड़का जो है कि इसको मॉडिफाई किया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल लाइट भी काफ़ी अच्छे से ग्लो हो रही है, और आपको हम फ्रंट लाइट चला कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो फ्रंट लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको उजाला दे रही है, जिससे कि आप साइकिल से काफ़ी ज़्यादा आसानी से चल सकते हो, आपको उतना उजाला आपको आसानी से मिल जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए इसको हमने कर दिया है, और ऐसे ही देखिए सभी लाइट को हमने लगा दिया है, और हम आपको अभी आपको पीछे की ब्रेक लाइट को भी दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ देखिए सभी लाइट को हमने इसी तरीके से लगाया है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रही है। और अब हम चलिए आपको थोड़ा सा जो कि ब्रेक लाइट को भी टेस्टिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से वो आपको जल के दिखा रही है, तो उसका भी हम आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो यहाँ आप देखिए हम आपको ब्रेक लाइट को जला कर दिखाते हैं, तो आप देखिए जैसे ही ब्रेक लगाओगे इस तरीके से यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, और इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल में जान सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड चलिए आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और फ्रेंड अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने वीडियो को पूरा देखा, जिससे मुझे पता चल सके कौन लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं। तो फ्रेंड आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर 1K सब्सक्राइबर होने में बस 40 सब्सक्राइबर की कमी है, तो उसको आप जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। फिर उसके बाद एक मज़ेदार Q&A आएगा, जिसमें कि आप कुछ भी अपना सवाल पूछ सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पर भी जल्दी से 1K फैमिली को कंप्लीट करवा दीजिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।